उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एकाना स्टेडियम में लोकल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एक ऐसा मैच खेला गया जो वैसे तो लो स्कोरिंग मैच रहा और कोई भी टीम 150 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। आरसीबी ने जहां 9 विकेट पर 126 रन ही बनाए तो वहीं टारगेट का पीछा कर रही लखनऊ की टीम एलएसजी तो 108 रन पर ही सिमट गई और ये मुकाबला 18 रनों से हार गई। यानी वैसे तो इस मैच में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे दर्शक याद कर सके, लेकिन मैच के आखिर में जिस तरह से लखनऊ के मेंटोर गौतम गंभीर और आरसीबी के कप्तान विराट कोहली के बीच मैदान पर जंग छिड़ी, उसने इस बोरिंग मैच को भी इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया, जिसके बाद से सवाल उठ रहे हैं आखिर गंभीर और कोहली के बीच क्यों छिड़ी जंग, कब लिखी गई थी इस मैदाने जंग की पटकथा, कोहली और गंभीर दोनों को भुगतना पड़ा इसका अंजाम, कोहली या गंभीर किसे भारी पड़ी ये मैदानी जंग। दरअसल सोमवार को लखनऊ के एकाना मैदान में विराट कोहली और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के बीच जो झगड़ा हुआ उस झगड़े के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी पटकथा तो पिछले महीने अप्रैल की 10 तारीख को ही लिख दी गई थी, जब बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी का मुकाबला चल रहा था और आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट पर 212 रन ठोक डाले थे। खुद कोहली ने 44 गेंदों पर 4 छक्कों के साथ 61 रन की पारी खेली थी, लेकिन इसके बावजूद विराट को जीत नसीब नहीं हुई क्योंकि केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 9 विकेट पर 213 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया, जिसके बाद लखनऊ टीम के मेंटर गौतम गंभीर की एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी जिसमें वो मुंह पर उंगली रखकर क्राउड को साइलेंट यानी चुप रहने की नसीहत दे रहे थे क्योंकि उनकी टीम ने बड़ा टारगेट हासिल करते हुए जीत दर्ज की थी। कहते हैं गंभीर की यही तस्वीर शायद कोहली के दिलो दिमाग में बैठ गई थी और वो इसका बदला लेना चाहते थे, इसलिए 1 मई को जब आरसीबी की टीम एलएसजी के खिलाफ उसके घर लखनऊ में खेलने गई, दोनों के बीच मुकाबला भले लो स्कोरिंग वाला रहा लेकिन आरसीबी से मिले 127 रनों के टारगेट का पीछा करने में लखनऊ की टीम के भी पसीने छूट गए और जैसे जैसे लखनऊ की टीम के विकेट गिर रहे थे कोहली भी मुंह पर उंगली रखकर साइलेंट रहने का इशारा कर रहे थे। इसकी शुरुआत लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी के चौथे ओवर में हुई जब टीम के बल्लेबाज कृणाल पांड्या का कैच खुद विराट कोहली ने लपका, जिसके बाद वो इतने जोश में भर गए कि स्टैंड्स की तरफ देखकर अपना सीना ठोकने लगे और फिर फ्लाइंग किस दिया। इसके बाद मुंह पर उंगली रखकर शायद अपना बदला पूरा किया और दूसरी तरफ डगआउट में बैठे गौतम गंभीर सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। ये सीन देखकर लग रहा था कि विराट कोहली लखनऊ के मेंटर और गौतम गंभीर को जवाब दे रहे हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं चल रही हैं कि कोहली ने गंभीर से हिसाब बराबर कर लिया। अफगान खिलाड़ी से भी हुई तकरार। लखनऊ के लिए खेल रहे अफगान खिलाड़ी नवीन उल हक और कोहली के बीच तकरार उस वक्त शुरू हुई जब लखनऊ की बल्लेबाजी चल रही थी और मोहम्मद सिराज पारी का 17वां ओवर फेंक रहे थे। इस ओवर में सिराज और नवीन के बीच कुछ कहा सुनी हुई। ओवर खत्म होने के बाद सिराज ने जबरदस्ती नवीन के पहुंचने के बावजूद गेंद स्टंप पर मार दी, वहां से बात बढ़ी, फिर विराट कोहली भी इस मामले में कूद पड़े। विराट और नवीन के बीच कहा सुनी मैच खत्म होने के बाद हैंडशेक तक चली, जब सभी खिलाड़ी हाथ मिला रहे थे उस वक्त भी जब विराट और नवीन का सामना हुआ तो दोनों में कुछ बातचीत हुई। इसके बाद नवीन ने विराट का हाथ झटक दिया और वहां से मामला और बढ़ गया। इस दौरान गौतम गंभीर अंपायर से गुस्से में कुछ बात करते नजर आए। झगड़े में कब हुई गंभीर की एंट्री। दरअसल मैच खत्म होने के बाद आरसीबी की कप्तान विराट कोहली लखनऊ के खिलाड़ी काइल मायर्स के साथ कुछ बात कर रहे थे कि इसी बीच लखनऊ के मेंटर गौतम गंभीर ने एंट्री मारी और तुरंत मायर्स की कमर में हाथ डालकर उन्हें जबरदस्ती विराट से दूर ले जाते नजर आए। दूर जाते हुए गौतम गंभीर लगातार कुछ कुछ कहते नजर आ रहे हैं जो दूसरे एंगल से देखने पर ही दिखाई पड़ता है। इसके बाद विराट कोहली ने इशारा करके गौतम गंभीर को बुलाया और फिर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। अमित मिश्रा और विजय दहिया, केएल राहुल, फाफ डुप्लेसिस जैसे सीनियर प्लेयर्स ने भी बीच बचाव की कोशिश की लेकिन दोनों भिड़ते ही चले गए। इस बीच विराट तो विजय दहिया पर भी झुंझलाते नजर आए। मैदान पर छिड़ी गंभीर और कोहली के बीच इस जंग पर बीसीसीआई ने भी कड़ी नजर बनाए रखी थी, इसलिए कोहली और गंभीर के साथ साथ नवीन उल हक को भी इस लड़ाई का खामियाजा भुगतना पड़ा और तीनों पर बीसीसीआई ने भारी जुर्माना लगा दिया।
विराट कोहली और गौतम गंभीर पर जहां 100% फीस का जुर्माना लगाया तो वहीं नवीन उल हक पर 50% मैच फीस की कटौती का जुर्माना लगाया। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान विराट कोहली को हुआ क्योंकि उनकी एक मैच की फीस 1,07,00,000 है और उन्हें इस घटना की वजह से 1,07,00,000 रुपए का जुर्माना झेलना पड़ा, जबकि गौतम गंभीर की एक मैच की फीस 25,00,000 रुपए है, इसलिए उन्हें 25,00,000 रुपए का जुर्माना झेलना पड़ा। तो वहीं इस लड़ाई के अगले ही दिन यानी मंगलवार को विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी लगाई है जिसे इस लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने इंस्टा स्टोरी में रोम सम्राट मार्कस ऑरेलियस का एक कोट पोस्ट किया है जिसमें लिखा है, जो कुछ भी हम सुनते हैं वो ओपिनियन होती है, फैक्ट नहीं होती है। जो कुछ भी हम देखते हैं वो नजरिया होता है, सच नहीं होता है। बहरहाल गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच हुई इस लड़ाई के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।